और कम से कम क्या है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल कासिम बर्ड। तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे इस चैनल अब्दुल कासिम बर्ड को सब्सक्राइब भी कर दें। और इतवार का दिन है और मुझे छुट्टी भी है, तो इसके सुबह सुबह मेरे आप शक्ल भी देख रहे हैं कि मैंने कंघी वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है। ऐसे सीधा अपने सेटअप पर आ गया हूँ, अपने कबूतरों को ना सांप को खोल दिया। नया कबूतर जो मैंने खोला है ना, आज वो ऊपर जाके बैठ गया। वो देखो पीछे बैठा हुआ है और बाकी भी हमारे कबूतर बैठे हुए उनके साथ। अभी सब कुछ सेटअप वगैरह बंद है, धूप भी निकलने वाले। जल्दी से अंदर की सफाई करते हैं, उसके बाद फिर अपने अंदर वगैरह परिंदों को खोलने के बाद फिर बैग वगैरह परिंदों को खोलेंगे। उससे पहले इस कबूतर को नीचे उतरते हैं जो ऊपर जाके बैठ गए यहाँ पे। तो जब तक कबूतर उतरते हैं तब तक हम अंदर का विजिट कर लेते हैं। ये देख कितनी अच्छी धूप निकली है, बस जल्दी से सफाई करके अपने सेटअप की। भाई अंदर की तो सफाई मुकम्मल हो गया, ये बैग आप देख रहे हैं सारी सामान इकट्ठा हो गया। ये बैग की सफाई कर गए थे, अपनी मुर्गियों को भी इसी के अंदर बंद किया है क्योंकि ऊपर गया हुआ है कबूतर बैठा हुआ है। अभी मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ नज़र आता है तो। ये देखिए दूसरे नंबर पर जो बैठा हुआ है कबूतर, ये देखिए दूसरे नंबर पर जो बैठा हुआ है ना, ये नया कबूतर है। चलें देखते हैं, आप नीचे उतरते हैं तो फिर इसे पकड़ते हैं, वरना फिर से अपने सेटअप की सफाई करते हैं। भाई भूख लगी हुई है, देखे सांप कबूतर ना अभी यहाँ ऊपर बैठे हुए थे दाने के साथ। मुझे लगता है इनको भूख लगी और परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं। उनको तो सुबह दाने रखा था, लेकिन अभी इन कबूतरों को डाल देते हैं, बेचारे को भूख लग गई है। चलो भाई आ जाओ, ये देखे ऊपर बैठे हुए थे, अभी तो कुछ ने खा भी किया होगा क्योंकि ऊपर बैठे हुए थे। और बाकी भाई ये वाली मुर्गी को हमने फेंक से निकाल गया क्योंकि अभी इन्होंने इतना मांगा था ना इस पिचाके को, और ये बस जाने ही वाली थी। फेंक मैंने इसे निकाल दिया, मैंने कहा वो ना हो इसे कुछ हो जाए, बाद में इसे ठहराएंगे जब ये बकरी हो जाएगी। चल अभी ये कुछ दिन ऐसे ही अकेली गए जाए। और बाकी अपने कबूतरों को देख रहे हैं जिन्होंने एग दिए हुए थे, हाँ ठीक बैठे हुए। चल ये तो बैठे हुए हैं, इनको भी देख रहे हैं, ये पीछा की बैठी हुई है। इसने मेरे ख्याल से एक एग दिया था, इसने कब्जा कर गया है पता नहीं। अभी ये पीछा की कब बैग देती है दूसरे। तो भाई अब तुम बैग आ जाओ, अभी इनको इसको बंद कर देते हैं क्योंकि इकट्ठे दोनों नहीं खोलते। जब इकट्ठे खोलते हैं तो आपस में लड़ाई करते हैं और फिर मस्का बनेगा, एग ना टूट जाए। इसलिए भाई ये बच्चा कार मैंने आपको दिखाया था, कार ये बॉक्स के अंदर था और दूसरा भी अंदर है। ये पिछा का पता नहीं बैग क्यों आ गया है, ये भी है भी छोटा, ये इतनी जगती बैग आ गया। चलो अभी इसे अंदर बिठाते हैं वरना ये दूसरे परिंदे इसे मारेंगे। चलो भैया आ जाओ, इसे अंदर बिठा देते हैं, वो ना दूसरे परिंदे मारे या कुछ मसला हो सकता है। इसे ये देखे काटता भी है, वही बादशाह का यहाँ से बिगियों का कर भी है इसका। ये फीमेल तो अभी मैंने जब देखे ना, मुझे याद है इसे यहाँ से निकालना है क्योंकि दोबारा से एग दे देगी फिर मस्का बन जाएगा। बच्चों को फीड कराती ना और वो बिचारे एक्सपायर हो जाते हैं। इसे अभी निकाल के ऊपर वही केज में शिफ्ट करते हैं, तो चलो अभी जगती से इसे पकड़ते हैं यहाँ से। चलो भाई अभी पकड़ता हूँ तुम्हें, ये आ गई हाथ में। चलो अभी इसे ऊपर वही केज में शिफ्ट करते हैं जगह पे। हम उस मैग कहेंगे ना दोबारा से कोई नई फीमेल अच्छी सी गई कहेंगे, वरना यहाँ ऊपर से जो अच्छी फीमेल होगी ना वो नीचे वाले केज में शिफ्ट कर देंगे और वो फिर पैग बन जाएगा। तो अभी इस फीमेल के भी जगती से एग निकाल देते हैं, फिर ये नए एग देख पहले देखें कोई बच्चा तो नहीं निकाल निकलेगा तो नहीं। वो ये टूटे हुए हैं आपके साथ, ये देखे अंदर एग भी टूटे हुए हैं। चलें इसको उतार के और फिर इसकी सफाई करते हैं, फिर इसे लगा देंगे, ये नेक्स्टिंग करेंगे, दोबारा से एग देंगे। एक एग ये भी नीचे आया हुआ, ये देखें, ये देखे फीमेल ना सफाई करने की कोशिश कर रही है। अभी आवाज़ें सुनी थी मैंने, ये निकालना चाहते हैं, इसको निकालने के बाद फिर से एग देगी। चलो अभी हम खुद ही इसे निकाल देते हैं यहाँ से। बहुत शुक्रिया, अभी निकलता था मैं, शुक्र है मैंने देख लिया है। और अभी ना इस तार के साथ पैर से बांध देते हैं, फिर चलते हैं सफाई करने, वो ना हम बैग सफाई करने जाएँ और यहाँ अंदर से तोते गायब। भाई अभी ये देखे सफाई हो गई है टीसीबी के बॉक्स की, लग गया बॉक्स नया, न्यू फ्रेश बॉक्स लग गया। अब इंशाल्लाह बहुत ही जल्द देखा जाएंगे, फिर जाके को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी वरना खुद ही से सफाई करनी पड़ती।